तो यू गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज बताने वाला हूं कैसे अपने MCBE में कस्टम हार्ट मोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इस मोड में होगा क्या कि आपको कस्टम हार्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी होंगे। तो अगर उसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक्स, यहाँ पर आके इसको डाउनलोड कर लेना है। और वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही कमेंट सेक्शन में होगा। और तो इस मेरे ही डाउनलोड हो चुका है, जैसे ही वो डाउनलोड जाए उसके तरह आपको ना पासवर्ड ओपन कर देना है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो बस ये आपको मिल जाकर फाइल में आर्चिव वाला ऑप्शन में इसके ऊपर क्लिक करके अंदर जाना है। उसके जरिए फाइल को ऊपर क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर एक्सट्रैक्ट करके व्यू का ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर वो वर्ल्ड आपको मिल जाएगा, ये रहा वो वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपको और एक फाइल मिलेगा, तो उसके अंदर आपको क्या करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एक सेकंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। इसको आपको सेलेक्ट करके मूव के ऑप्शन में क्लिक करना है, गेम्स के फोल्डर में, कोमोजैंग में। फिर यहाँ पर एक वर्ल्ड होगा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स, तो उसमें जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। फिर जैसे आप कर ले उसके अंदर आपको ना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो बस फिर जैसे ही आपका माइनक्राफ्ट बन जाए उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्ले में क्लिक करके वर्ल्ड देख लेना है। और अगर लेकिन आपका नहीं आया तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल कर देना है इसको। उसके बाद फिर आपको जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वो सब आपको करना है। फिर जैसे आप प्ले में क्लिक करेंगे यहाँ पर आप थोड़े से नीचे आएंगे और अपना वर्ल्ड को थोड़ा बहुत देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड मिल जाएगा कस्टम हार्ट करके। तो इसके अंदर आपको चल जाना है। और ये भाई एक एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड है तो आपको वार्निंग आएगा कि ये क्रैश वगैरह कर सकता है। तो फिर उसको आपको दोबारा वर्ल्ड एनिवेज करके स्टार्ट कर लेना है। तो फिर चलते हैं डायरेक्ट वर्ल्ड की तरफ। तो वैसे मैं ना वर्ल्ड में आ चुका हूँ। भाई यही पार्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको करना क्या होगा, ये फर्नेस लेना होगा, उसको रखना पड़ेगा, इसको नीचे से नहीं ऊपर से खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारा सामान भी दे दिया जाएगा कौन कौन सा है। तो फिर उसके बाद मतलब इन्वेंटरी में दिया जाएगा ये हम लोग का सामान। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्राफ्टिंग आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी क्राफ्टिंग फेज के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डर्ट लेना पड़ेगा जिसका आपको हर्ड बनाना है और उसको ऐसे करके रख देना पड़ेगा ऐसे करके। उसके अंदर ग्लास को बीच में रखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका पोशन। उसके अंदर मैं काम करता हूँ, मैं सारा एक बार पोशन बना लेता हूँ। तो गाइस मैं सारा पोशन बना लिया हूँ, अभी काम करता हूँ, मैं जल्दी से सर्वाइवल एक बार कर लेता हूँ। तो गाइस सर्वाइवल करके जैसे कि देख सकते हैं ये रहा हम लोग का सारा पोशन। यहाँ पर आप सारा पढ़ सकते हैं कौन कौन सा हम लोग को पोशन मिला हुआ है। तो मैं जल्दी से एक बार पढ़ लेता हूँ उसको। तो इस पोशन में ये है कि जैसे ही आप डैमेज लेंगे तो आप एक्सप्लोड कर जाएंगे, यानी आसपास में जितना जन होगा वो सारा मर जाएगा। और जैसे ही आप डायमंड मतलब डैमेज लेंगे तो आयरन गोलम स्पॉन हो जाएगा और बहुत सारा है। इसमें आप डायमंड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे। और यहाँ पर आपको इलाइट्रा भी दे दिया गया है जिससे आप उड़ भी सकते हैं आराम से। तो गाइस यही थे इस वीडियो के लिए। ऐसे ही अपने माइनक्राफ्ट में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं कस्टम हार्ट मोड। तो गाइस यही थे इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल वीडियो करके देख लेना, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।